तो निहारी के बाद पहली बार जा रही है पहाड़ की ओर को, मतलब बचपन में कभी गई है अपने नैनियाल में और पुराने वाले गाँव में, लेकिन उसके बाद कितने साल बाद जा रही हो पहाड़ पे? 10 साल बाद? 13 साल बाद। 13 साल बाद ये पहाड़ की ओर जा रही है, लेकिन ये मोस्टली इनका गांव था पिथौरागढ़ में, तो ये लोग उधर जाते थे। आज ये पहली बार आएंगे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो गाइस दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो निहारिका ने आज सुबह बहुत आंसू बहाए हुए, इसलिए मास्क से मुंह पूरा छुपा के रखा हुआ है अभी फिलहाल। खैर कोरोना की गाइडलाइन भी है, तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं निहारिका के घर से, यानी लखीमपुर से सीधे जा रहे हैं दौराहाट, और साथ में हमारे योगेश भाई हैं। हेलो, योगेश भाई हमको पूरा छोड़ेंगे दौराहाट तक। और बाकी पांडे जी हमारे हैं, पांडे जी पीछे आ रहे हैं, कह रहे हैं कि गाड़ी थोड़ा हल्के हल्के चलाओ यार, मैं तेज नहीं चला पा रहा हूँ। मम्मी पापा पांडे जी के साथ बैठे हुए हैं और बाकी सामान है, और एक गाड़ी में दीदी जी लोग हैं। तो तीन गाड़ी हमारी गई थी, तो तीन गाड़ी में हम वापस आ रहे हैं अभी दौराहाट की ओर को। अब देखते हैं यहाँ से दौराहाट का रास्ता, और दिखाता हूँ कि निहारिका को कैसा लगा पहाड़ जब हम हल्द्वानी से ऊपर चलेंगे, तो निहारिका को आखिरकार कैसा फील लगेगा, तो ये देखेंगे। रात की थकान के बाद नींद तो मेरे को ही बहुत आ रही है, लेकिन मैं सो नहीं सकता हूँ, और निहारिका सो भी है। तो ये जो पोटली है, इस पोटली में हमने रखे हैं चावल और उड़द की दाल रखी हुई है, और इसमें एक सिक्का रख के जितनी भी बार बार नदी आएंगी पुल आएंगे तो निहारिका के सर के ऊपर घुमा के 3 बार ऐसे फेंकना पड़ता है ताकि इससे नज़र न लगे। ऐसा कोई टोटका है जो दिया गया है निहारिका के घर से। फिलहाल मम्मी पापा लोग आ गए हैं, पांडे जी आगे चल रहे हैं, उन्होंने अभी क्रॉस किया है, उनको आगे थे, और हमारे पंडित जी पीछे आ रहे हैं स्कूटी से। वो कोविड के चक्कर में स्कूटी से ही आए हैं पूरे गाँव से। तो आप सामने देख रहे हैं, ये पंडित जी हमारे स्कूटी से आए थे 400 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पंडित जी पहुंचे थे। पंडित जी ड्राइवर लेके आ रखे हैं और ये लेके आए स्कूटी से। वो देखिए UK 01 नंबर की गाड़ी है, और द्वारहाट से पंडित जी पहुंचे लखीमपुर, वो भी स्कूटी पे। अभी पंडित जी की कमर टेढ़ी हो रखी है, आते वक्त भी टेढ़ी हुई थी, जाते वक्त भी टेढ़ी हुई थी। तो पंडित जी, लेकिन पंडित जी ने शादी पूरी सही से निभाई, ये तो मानना पड़ेगा, और जजवान को छोड़ा भी नहीं। कोविड की इतनी भयंकर सिचुएशन में पंडित जी जरूर पहुंचे। उत्तराखंड हम लोग पहुंच गए हैं उत्तराखंड की सीमा के अंदर। अब चला रहे हैं योग्यता की जो पांडे जी गाड़ी, क्योंकि इनको अपनी गाड़ी चलाने में होती बहुत ज़्यादा दिक्कत, क्योंकि ये भगा नहीं पा रहे थे, और योग्यता स्विफ्ट पा रहे थे बहुत तेज़। तो पांडे जी कह रहे हैं कि भाई तू चलाओ पहले ये गाड़ी और मैं चलाऊँगा स्वाई स्विफ्ट। अब आके योग्यता जा रहे हैं पांडे जी की मराजो लेके, उससे आगे मेरे जी यही लोग चल रहे हैं, पीछे हमारे पंडित जी और उनका चेला स्कूटी से आ रहा है। तो ऐसे मतलब ये बारात देखो 3 गाड़ियों की ऐसे चल रही है अभी फिलहाल। और फिलहाल हम पहुंच चुके हैं सितारगंज के आसपास, ये रुद्रपुर का रास्ता चला गया, अभी हम लोग निकल जाएंगे सितारगंज। निहारिका ने पूरी नींद पूरी कर ली है और उठ गई है नींद से पूरा। कितने घंटे सोई? 2 घंटे? 1 घंटा? नहीं सोए? मैंने 2 घंटे पूरी नींद पूरी की है भैया। तो मैं आगे बैठ गया था, मैंने कहा था तुम पूरी सीट पे लेट जाओ और मैं आगे बैठ जाता हूँ। एक्चुअली क्या था कि हम लोग को अभी तक भवाई तक पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे इतना बड़ा ट्रैफिक लगा था सितारगंज में, पूरी रोड की कंडीशन इतनी ख़राब, बहुत हद से ज़्यादा ख़राब है, तो वहाँ पर इतना ट्रैफिक था, पूरा जाम लगा हुआ है, बड़े बड़े ट्रक रुके हुए हैं रोड पर, तो पूरा 1.5 घंटा वेस्ट हुआ है इसमें, पूरा 1.5 घंटा वेस्ट हुआ है पूरा इसमें। और निहारिका फिर से नींद निकालने लग गई 1.5 घंटे के लिए वापस। तो अभी ट्रैफिक खुला है,
अभी यहाँ से हल्द्वानी पहुँचेंगे, फिर हल्द्वानी जाके हमको गाड़ी एक्सचेंज करनी है, मतलब मीन्स जो हमारी मराजो थी उसके ऊपर हम लोग जायलो लेंगे, फिर वहाँ से वो वाला सामान उसमें शिफ्ट करेंगे, क्योंकि जो जायलो का था वो परमिट और मतलब अदर स्टेट में नहीं था, खाली उत्तराखंड के अंदर था, तो हम लोग को इसलिए मराजो लेके आनी पड़ी थी यहाँ पे। अब वहाँ यहाँ से मराजो वापस हल्द्वानी छोड़ेंगे और वहाँ से जायलो में सामान शिफ्ट करके फिर निकलेंगे पहाड़ की ओर को, और अब निहारिका देखेगी पहाड़ का रास्ता पहली बार, मतलब उस साइड देखा हुआ है इसने टनकपुर से ऊपर की ओर को, लेकिन इधर नैनीताल वाला रास्ता इसने पहले कभी नहीं देखा, तो इसे वाला रास्ता दिखाएंगे आज। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी, ये सामने है बाहर हल्द्वानी शहर, और अब यहाँ से स्टार्ट होगा निहारिका का कौन सा सफ़र, पहाड़ का सफ़र स्टार्ट होने वाला है निहारिका का यहाँ से, देखते हैं पहाड़ में अभी तो इसका मामला सब कुछ ठीक है, पहाड़ पे चढ़ते हुए क्या पता। तो फिलहाल पहुंचे अभी हम पातली, और निहारिका की हालत है बिल्कुल पस्त, ये वो ना चाय पी रही है कुछ भी नहीं, मतलब उधर कुछ खाना पीना कुछ नहीं, हम लोगों ने चाय पी योगेश दा मैंने पांडे जी ने, पापा जी की भी हालत थोड़ी, क्योंकि जो रूट है बहुत लंबा हो गया, 400 किलोमीटर के करीब हो गया, इस वजह से सब लोग थक गए हैं, तो 3-4 दिन से काफ़ी थके हुए हैं ही पहले से ही, तो उसकी वजह से सबके सब मतलब पस्त हो रहे हैं, आज रात जो नींद आएगी घर पे वो आएगी बहुत ज़बरदस्त। कैसा लगा पहाड़ का सफ़र बताओ, मजा आया है? मैं कुछ बोल ही नहीं रही है, खाली हूँ हूँ बोलती है, बस हो गया। पहाड़ का सफर कैसा रहा तुम्हारा? बढ़िया। मजा आया? दिन में थकान थी तुमको पूरी? हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, तुमने बहुत नींद निकाली पूरी गाड़ी में? नींद नहीं निकाली, लेटे थे। हाँ, लेटे थे। ये कैमरे की ओर देख के बोल, लेटे क्या? थे सोए थे तुम? सोए नहीं थे, लेटे हुए थे। अच्छा। तो एक्चुअली क्या, शादी की रात भी हम लोग उठे रहे और उसके बाद अगले डे 450 किलोमीटर की राइड थी, इसलिए ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें स्किप होगी, जहाँ जहाँ मेरे को मतलब बीच में मैं ऊँग जा रहा था नींद आ रही थी हल्की हल्की, ये तो फिर रास्ते पर सोई थी ना, लेटी थी बोल लिया उसे, लेकिन सोई थी मैं जाता लग रहा है। तो हम लोग इसे पे यही कि 13 साल बाद पहाड़, और इसको मतलब वैसे तो काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन जहाँ कहाँ बीच बीच में भीमताल आते मैं तो उठाते थे भीमताल देख, यहाँ कैची मंदिर आया, ऐसे मैंने ऐसे सब कुछ उठा के दिखाया। उसके बाद हम पहुँचे घर, बहुत ज़्यादा थकान थी और बहुत ज़्यादा सामान था, घर तक पहुँचाया, इसलिए पूरा ब्लॉग बना ही नहीं, थोड़ा थोड़ा बना जैसे ही बना, लेकिन इस मतलब पूरे किरदार में पंडित जी को पूरे 100 में से 100 मिलेंगे, क्योंकि वो आए 450 किलोमीटर स्कूटी से आए, क्योंकि उनको क्वारंटीन नहीं होना था इसलिए वो स्कूटी से आए, वरना हमने उनके लिए गाड़ी बुक की हुई थी, हमारी गाड़ी पूरी खाली आई थी एक, तो उन्हीं के गाँव से गाड़ी आई थी और उन्हीं के गाँव वापस भी गई, तो पंडित जी के साथ ये रहा सिचुएशन। और सबसे बड़ी बात है कि उनका चालान भी कटाया, जैसे ही वो रानीखेत पहुँचे, रानीखेत पे उनको लगा कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी बॉडी में, तो उन्होंने कहा मास्क उतार लो, तो आगे वाले मोड़ पे ठीक पुलिस वाले खड़े थे, तो उनको रोक के पंडित जी को रोक के उनका चालान भी कट गया। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, अब तो मेरे साथ निहारिका भी आ गई, तो दोनों के ब्लॉग आएंगे साथ बराबर, तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।